Morning, guys. How are you? Myself, Prerna Hello. I am your GK teacher. Okay, so let's start with lesson 1. आज हम आप मैं आपसे आपको lesson 1 पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है? And what's the name of our lesson? Going green. Green. You understood? Green. Yes. Plants के बारे में बताया गया है. Everywhere we see green because of plants. And it's our duty to protect our plant. क्योंकि without plant there is no life. हमको पता है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे क्लासेस में कि पेड़ ही हमारा जीवन है. वो सिर्फ हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन, जूट ये नहीं देते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ का पार्ट है ब्रीथ, सांस. लेने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन. वो क्या देते हैं हमें? ऑक्सीजन. और क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं? हार्मफुल गैस, कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमारी लाइफ किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर. और बहुत सारे जो हमारे इम्पोर्टेंट वर्क है लाइफ के, वो प्लांट्स करते हैं. हमें हमारी एयर को प्योर करते हैं, पॉल्यूशन को जो है रिड्यूस करते हैं, रेनफॉल को ब्रिंग करते हैं. तो आज हम आपको, मैं आपको जो एक्सरसाइज करवा रही हूँ उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे प्लांट्स जो हैं वो हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट, लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं. हमको उन्हें बचाना है. और जितना भी हो अपनी लाइफ में, आपको कितने जितना हो सके अपने सराउंडिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट थिंग ट्रीट करना है, मतलब प्लांट्स लगाने हैं उनको हमें. और जो भी कट करना है उनको बताना है उसकी इम्पोर्टेंस प्लांट्स की, और उनको रोकना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ अपने सराउंडिंग में लगाने हैं. तो उनकी केयर भी करना है, यानी कि लगा के फिर छोड़ देना है. उनको अच्छे से उनकी देखभाल भी करनी है. तो अपन जितनी अगर हमारी नेचर को हमें सेव करना है, इको फ्रेंडली हमें होना है. हमें हार्मफुल चीज़ों का, जो केमिकल्स हैं जो हमारे जैसे पेट्रोल डीजल, इनसे बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करके प्लांट जो हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जो अपने रिसोर्सेस हैं उनको यूज़ करना है. तो चलिए आइए मैं आपको लेसन जो है अपना जीके का उसके एक्सरसाइज को समझाती हूँ. हाँ, Now come to the exercise. Identify the pictures of the eco-friendly objects and resources. आपको क्या करना है इसमें? पिक्चर को identify करना है, ये किस प्लांट की पिक्चर है, और बताना है कि वो क्या, उस प्लांट का क्या नाम है. First, natural alternate fuel, collective term for natural vegetation. एक हमारा नेचर प्लांट से निकला, प्लांट से ही बना हुआ फ्यूल है, और ये नेचुरल टर्म फॉर नेचुरल वेजिटेशन. इसका हम लोग, ये नेचर से मिला हुआ है, प्लांट से मिला हुआ है. इस प्लांट, ये प्लांट का नाम क्या है? पीट. क्या नाम है? पीट. सेकेंड, इको फ्रेंडली क्लॉथिंग हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, नेचुरल एंड बायोडिग्रेडेबल. दीज क्लॉथ्स आर कूल एंड नॉन स्टिकी. ऐसा फाइबर जो कि प्लांट से मिला हुआ है, बहुत ही इको फ्रेंडली है, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, गर्मी में भी बहुत ठंडा रहता है, पसीने में चिपचिप नहीं करता, और बहुत ही सस्ता पड़ता है, नेचुरल है. इसकी जो ये एंटीबैक्टीरियल इसकी क्वालिटी है, कोई आपको जर्म्स को आपको साइड इफेक्ट नहीं है. इसका नाम है बैम्बू फाइबर. क्या है ये? बैम्बू फाइबर. थर्ड, ए बेनिफिशियल ड्रिंक विथ हेल्थ benefits, reduces unwanted fat and prevents oral cancer. एक बहुत ही फ़ायदेमंद आपका ड्रिंक है, जो कि हमारे शरीर में बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं. वो हमें स्वस्थ बनाता है, हमारी जो अनवांटेड फैट, हमारे मोटापे चर्बी को दूर करता है, और हमें ओरल कैंसर नाम की बीमारी से भी बचाता है. ये कौन सा ड्रिंक है? पिक्चर देख के, ग्रीन टी. ग्रीन टी इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर आर हेल्थ और फॉर आर बॉडी. ये हमें बहुत फ़ायदा करती है, हमें कभी भी इसके नुकसान नहीं होता है इससे. फोर्थ, यूजेस द एनर्जी ऑफ टाइड्स टू पावर टर्बाइंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. टाइडल के जो ज्वार भाटा होता है, उसकी एनर्जी समुद्र में जो उठती हैं लहरें, उससे जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. और वो किससे, किसकी हेल्प से बनती है? टाइडल एनर्जी. इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? टाइडल एनर्जी. और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो बहुत ही सस्ती और मतलब कहते हैं इफेक्टिव होती है. सीड्स आर वेरी यूजफुल, प्रोड्यूस बायो डीजल यूज्ड इन स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल डीजल इंजन.
ये इस प्लांट के बीज से एक बायोडीजल बनाया जाता है जो कि बहुत ऑटोमोबाइल इंजन में यूज़ किया जाता है, और ये सस्ता भी पड़ता है और ये हमारे नेचर के लिए भी नुकसान नहीं है, उसके लिए भी ये फायदेमंद है। इसको बोलते हैं जेट्रोफा। क्या बोलते हैं? जेट्रोफा। ये जो इससे जो हमारा जो ये इससे फ्यूल बनता है बायोडीजल, वो गाड़ियों में बहुत अच्छे से वर्क करता है और उसके नुकसान भी नहीं है। उससे जो धुआं निकलता है वो भी हमारे एनवायरनमेंट में को नुकसान नहीं पहुंचाता है। सिक्स, द सन्स एनर्जी इज अ रिसोर्स दैट कैन बी यूज ऑल ईयर राउंड। सन से निकली हुई एनर्जी को हम लोग सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये एनर्जी किसके थ्रू कन्वर्ट होती है? सोलर पैनल, जो कि बहुत ही चीप सस्ता उपाय है अपनी इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करने के लिए और कोई भी चीज़ को हीट करने के लिए। सोलर पैनल्स, सोलर पैनल्स इसको बोलते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज चैप्टर टू। यहाँ पे हमें इंडियन फोक डांसेस के बारे में बताया गया है। हमारे भारतवर्ष में जैसे कि अपन सभी जानते हैं बहुत ही उत्साह से सारे फेस्टिवल्स और ना सारे हम लोग इंजॉय करते हैं। हर राज्य का अलग अलग डांस है, अलग अलग उनके फेस्टिवल है, वो अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम आपको यही बता इस चैप्टर में मैं समझा रही हूँ कि फोक डांस इज अ पॉपुलर डांस कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ अ पर्टिकुलर पीपल और एरिया। बहुत फेमस डांस होता है उस पर्टिकुलर एरिया का, वहाँ पे उनकी परंपरा, उनका नृत्य करने की कला अलग ही तरह की होती है। पहला, बोनालू। ये डांस वुमेन, दिस डांस इज परफॉर्म बाई वुमेन फोक बैलेंसिंग पॉट्स ऑन देयर हेड। इस बोनालू डांस जो है वो तेलंगाना में के राज्य में, तेलंगाना क्षेत्र का डांस है। इसमें औरतें अपने सर पे मटके को रख लेती हैं, बैलेंस करते हुए बहुत अच्छे से डांस करती हैं। फिर आ गया नेक्स्ट वन, कुम्मी। ये डांस जो है, ये जो फोक डांस है वो तमिलनाडु का है, और टेंपल फेस्टिवल में ये सबसे ज़्यादा किया जाता है कुम्मी डांस। इस डांस में म्यूजिकल दिस परफॉर्म इज परफॉर्म विथ नो असिस्टेंस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बट विद द क्लैपिंग। इसकी खासियत यह है ट्रेडिशनल डांस की कि इसको क्लैपिंग के साथ किया जाता है, साथ में कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करते हैं, और वुमेन्स बहुत अच्छे से ग्रुप बना के इसमें डांस करती हैं तालियों के साथ, ताली बजाते जाते हैं। इसको बोलते हैं कुम्मी। ये तमिलनाडु का फोक डांस है। फिर आ गया कोईकोटिकली। कोईकोटिकली जो डांस है वो, इसको हम तिरुवथिरकली भी बोलते हैं, तिरुवथिरकली भी बोलते हैं। ये केरला का फोक डांस है, केरला का लोक नृत्य है, और इसमें जो मेनली ओणम एंड तिरुवथिरा परफॉर्म, ये इम्पॉर्टेंट जो फेस्टिवल है ओणम, उस पर किया जाता है और तिरुवथिरा पे किया जाता है। इसमें जो है सिस्टमेटिक, दिस इज अ सिस्टमेटिक ग्रुप डांस परफॉर्म अराउंड नीलाविलाकू द सेरेमोनियल लैम्प और द फ्लोरल कॉलम ड्यूरिंग ओणम। ओणम के दौरान ये जब लाइटिंग दिए जलाए जाते हैं, सब फ्लोरों से सजाया जाता है, तब ये डांस किया जाता है ग्रुप बना के। और ये केरला का, ये जो फेमस हमारा केरला का फोक डांस है, और ओणम के दौरान इसको कराया जाता है। इसका नाम है इसको बोलते हैं वैसे तो कोईकोटिकली, पर इसको तिरुवथिरकली भी बोला जाता है। और ये वुमेंस बहुत अच्छे से तैयार होके और ग्रुप बना के सिस्टमेटिक तरीके से इसको करती हैं अराउंड नीलाविलाकू भगवान के मंदिर के पास में। फिर आ गया अपना डोलू कुनीथा। डोलू कुनीथा इलेक्ट्रिक फोक डांस फ्रॉम डोलू रिफर्स टू द ड्रम एंड कुनीथा मीन्स डांस इन कन्नड़ा। ये कन्नड़ा का फोक डांस है जो कि ड्रम्स के साथ किया जाता है। डोलू ड्रम्स को कहा जाता है। मोस्ट हैव वन इवन टुडे एवरी हैमलेट और विलेज हैड अ, सबके घर में आपको और हर गांव में आपको डोलू कुनीथा का डांस देखने को मिलता है। रिफर टू द फोक डांस, ये कर्नाटक का फोक डांस है और ये ढोल की ताल पे किया जाता है। फिर आ गया दुमहल। दुमहल ये जो है कश्मीर का फेमस फोक डांस है। ये मेनली द मैन फोक ऑफ वट्टन परफॉर्म दिस डांस, आदमी लोग के द्वारा किया जाता है। सब लोग डांस के द्वारा के समय गाते भी हैं और ड्रम्स भी बजते हैं, परफॉर्म भी करते हैं, सिंग गाते भी हैं और डांस भी कर सकते हैं। ये द डांस बिगिंस विद द मैन डांसिंग अराउंड दिस बैनर,
और एक बैनर के आसपास ये लोग डांस करते हैं। द पार्टी ऑफ परफॉर्मर्स मूव इन अ रिचुअल मैनर्स एंड टेक्स अ बैनर इनटू द ग्राउंड एट अ सेट लोकेशन। और ये बैनर बीच में रख लेते हैं, उसके सराउंडिंग में ये सब लोग डांस करते हैं। दुमहल जो है वो कश्मीर का फेमस डांस है। फिर आ गया फुगड़ी, ये गोवा का डांस है। गोवा के वुमेन में जो बाय द वुमेन इन द कोंकण रीजन हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल गणेश चतुर्थी और वस्त्र ऑफ टूवर्ड्स द एंड ऑफ अदर डांसेस लाइक भालो। फुगड़ी जो है गोवा का फेमस डांस है और ये हमारे गणेश चतुर्थी के समय मनाया करती हैं। कोंकण जो वुमेन है ये आपस में दो लेडीज हैं हाथ पकड़ के क्रॉस में, फिर वो घूमती हैं। ये गणेश चतुर्थी के दौरान मनाया जाता है। रीडा डांस, इट इज़ द फोक डांस ऑफ मध्य प्रदेश। ये हमारे मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। राबी क्रॉप जब ठंड में तैयार हो जाती है पक्के, तब किसान के लोग खुशियां मनाते हुए और अपने रीडा डांस करते हैं कि उनकी मेहनत सफल हुई, उनकी फसल इतनी अच्छे से पक्के तैयार हो गई। इस खुशी में वो जब सर्दियों में राबी क्रॉप तैयार हो जाती तब ये रीडा डांस करते हैं। ये मध्य प्रदेश का फेमस फोक डांस है। फिर आ गया लास्ट बुरका बाउल, ये फोक डांस है उत्तर प्रदेश का। और ये जब अपनी मेज की और पैटी की फसल पक्के तैयार हो जाती है तब ये लोग अपने डांस करते हैं उस खुशी में। लाइक द स्टोरी इन द सीरीज ऑफ क्रिस्प मूवमेंट। और ये लोग साथ में क्या करते हैं, अपने द सिंगर नरेश द स्टोरी बैटल, अपने इतिहास की लड़ाइयों का भी वर्णन करते हैं जो उनके हमारे उनके महान ही सैनिक सिपाहियों का, उनकी गाथा गाते हैं, डांस करते जाते हैं और स्टोरी बोलते चले जाते हैं। तो आज हमने लेसन टू में इंडियन फोक डांसेस के बारे में पढ़ा। आपकी जो एक्सरसाइज है ये मैचिंग है कि ये किस स्टेट या किस शहर का या किस राज्य का डांस है, आपको इसको मैच करना है। तो मैं आपको यहाँ पे भी समझा रही हूँ, फिर मैं आपको PDF भी भेज दूंगी। तो आप इस एक कॉपी बनाइएगा GK की, उसमें ये नोट डाउन करिएगा जो भी मैं एक्सरसाइज आपको PDF में भेज रही हूँ। रिटर्न वर्क आपको कॉपी में भी करना है। मैच द स्टेट विद योर फोक डांस। फर्स्ट बोनालू, बोनालू कहाँ का है, तेलंगाना का, याद करना, अच्छे से लर्न भी कर लेना, बोनालू तेलंगाना। सेकेंड कुम्मी, कुम्मी कहाँ का है, तमिलनाडु, कुम्मी तमिलनाडु। थर्ड तुम्हाल, तुम्हाल कश्मीर, दुमहाल कश्मीर। फोर्थ हुरका बाउल, हुरका बाउल कहाँ का है, उत्तर प्रदेश, हुरका बाउल उत्तर प्रदेश। फिफ्थ फुगड़ी, फुगड़ी कहाँ का है, गोवा, फुगड़ी गोवा। सिक्स्थ ब्रिदा डांस, ब्रिदा डांस कहाँ का है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। डोलू कुनीथा, डोलू कुनीथा कहाँ का है, कर्नाटका, कहाँ का है, कर्नाटका। एंड द लास्ट कई कोटी कली कहाँ का है बेटा, कई कोटी कली केरला का, कई कोटी कली केरला का, केरला का। तो आपको ये, आपको ये कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना ये मैचिंग और लर्न भी कर लेना। आज हम आपका लेसन टू का चैप्टर और वन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब मैं ये यहीं पे एंड करती हूँ। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक द नेक्स्ट टू अनदर लेसन 3 एंड लेसन 4। टिल देन बाय बाय।